दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल वगैरह ईएमआई पे बाय करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के बारे में सबको पता होता है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो हम करते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू, वो भी सब जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे ईएमआई पे बाय करने पे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर हम कोई भी फोन वगैरह किस तरह से बाय कर सकते हैं, या कोई दूसरा और कोई प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं ईएमआई पे तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, ईएमआई से फोन बाय करना चाहते हैं कार्ड की वेबसाइट से, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां पर लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहां पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल वाले सेक्शन पे कैटेगरी पे चलता हूँ और यहाँ से मैं किसी एक मोबाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि चलिए मैं सैमसंग के इस मोबाइल को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे हम मोबाइल को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे बॉटम पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पे विद ईएमआई और बाय नाउ। तो यहाँ पे विद ईएमआई पे आप जाएंगे तो भी आप उसी ऑप्शन में पहुंचेंगे जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर आपको यहाँ पे विद ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, आप बाय नाउ पे टैप करेंगे तब भी आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप फ्लिपकार्ट का पेलेट यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं और उसमें अगर आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसके बाद फिर आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट पेलेटर में आपकी जो लिमिट होगी उसी से आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ भी ईएमआई पे बाय कर पाएंगे। तो उसको एक्टिवेट अगर आपने कर रखा है आप पे लिमिट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। वरना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो इसी पेज पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पे लेटर विद ईएमआई, और इसके सामने आपको एक्टिवेट नाउ का बटन मिलता है, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करके यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेनी है, आपकी आधार कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल, आपका बैंक डिटेल वगैरह सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी। और आपका केवाईसी जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको चेक करना है कि इसमें अगर आपको कुछ लिमिट मिली है तो उस लिमिट से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू भी कर सकते हो, पे लेटर में आपको जो पैसे मिले उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं मेन तरीके की। तो जैसे आप इस पे आएंगे तो आप चाहे तो पे विद ईएमआई पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर आपको पे विद ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिल रहा था बाय नाउ पे टैप कीजिए। बाय नाउ पे टैप करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ऑर्डर समरी का इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। ऊपर आपका जो भी एड्रेस आपने फिल कर रखा होगा अपनी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन वो आपको देखने को मिलेगा और नीचे आपको पूरी डिटेल इसकी देखने को मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगेन कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर टैप करेंगे फिर से हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, यानी कि हम जाते हैं पेमेंट पेज पे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस प्रोडक्ट पे आई थिंक नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा, बाकी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, वैलेट पोस्टपेड वगैरह, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह, लेकिन हमें यहाँ पे ईएमआई से करना है। तो ईएमआई के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब पहले यहाँ पे आपने देखा कुछ दिन पहले जैसे ईएमआई को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका जेस्ट मनी का अकाउंट एक्टिवेट है तो वो यहाँ पे शो हो जाता था, लेकिन अभी जेस्ट मनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अभी आपको जेस्ट मनी यहाँ पे शो नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईएमआई को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे बैंकों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब इसमें से जिस भी कंपनी का आपके पास ईएमआई क्रेडिट कार्ड वगैरह है आप उसके माध्यम से यहाँ पे शॉपिंग कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास बजाज वाला ईएमआई कार्ड है जो कि काफी लोगों ने यहाँ पे एक्टिवेट किया, अगर आपके भी पास है तो आप इसके माध्यम से शॉपिंग कर सकते हैं ईएमआई पे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह, आईसीआईसीआई, सभी बैंक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इनमें से किसी का भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप उससे भी यहाँ पे ईएमआई के माध्यम से मोबाइल वगैरह बाय कर सकते हैं, और अगर आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड है तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से फ्लिपकार्ट से ईएमआई के माध्यम से कोई भी मोबाइल फोन वगैरह बाय कर सकते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।